साथियों, बांस पर आज से मैं एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं जिसका समापन कई भागों में होगा। पहले भाग की वीडियो में मैं आपको मिलवा रहा हूं श्री सुभाष भाटिया जी से, जो जबलपुर के रहने वाले हैं और जिन्हें बैम्बू किंग के नाम से जाना जाता है। आज की जो वीडियो है इसमें हम चर्चा करेंगे बांस के बारे में, वो जानकारी की कि जो भी किसान बांस की खेती शुरू करना चाह रहे हैं उन्हें कम से कम ये बातें पता होनी चाहिए। भाटिया जी से मिलने में मुझे एक किसान ने बहुत सहयोग किया है, उनका नाम है प्रशांत प्रजापति जी, जो जबलपुर के ही रहने वाले हैं। मेरे अनुरोध पर उन्होंने भाटिया जी से मिलकर हमारे लिए समय मांगा और इस सब का इंतजाम किया। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आइए शुरू करते हैं। 2017 में नीति आयोग और प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की घोषणा करी कि हम एक बैम्बू मिशन, पहला बैम्बू मिशन तो किसी को पता ही नहीं चला, ठीक है, कब आया और कब चला गया। 2011 में आया, 2014 में चला गया, किसी को पता ही नहीं चला, ठीक है सर। पर ये 2017 वाला बैम्बू मिशन इसलिए कि बहुत सारे हमारे साथ एक्टिविस्ट थे और हम लोग दिल्ली में जाके हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर से मिले और वो किया, उसके बाद इसकी घोषणा हुई जी। और घोषणा हुई तो उसमें मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई जी, जिसका मैं भी मेंबर था, तो मैंने कुछ बातें बहुत मतलब उससे कही थी जी। मैंने उनसे कहा था कि हमको एक ही तरह का जो है ना, मोस्टली जो हमारे इंडिया में ट्रेंड चल रहा है वो एक ही किस्म के बालकुआ के पौधे का है, और बालकुआ का पौधा सिर्फ जो है ना बायोमास का बैम्बू है, कमर्शियल बैम्बू कभी भी नहीं रहा। तो बायोमास में, हमारा बायोमास में काम चल जाएगा, बाकी चीजों में कैसे चलेगा। अगरबत्ती की हम 3 लाख kg स्टिक आज भी रोज बुलवा रहे हैं, 3 लाख kg स्टिक के लिए कम से कम 20 से 25 लाख kg बैम्बू रोज का चाहिए। अच्छा, और आप मुझे बताइए कि अगर हमारे पास अच्छा बैम्बू होता तो हम बना नहीं लेते। 2017 में 18 में 5,000 किलो स्टिक बन रही थी, आज 15,000 kg बन रहे। तो सर बैम्बू मिशन में क्या कैसे शुरू हुआ, फिर उसके बाद में आपने क्या शुरू? ये हुई कि जो बैम्बू में पहले से काम कर रहे थे उनके व्यू लिए गए, हम लोग वहां गए, त्रिपुरा गए, बहुत सारी जगह गए हम लोग, हम लोगों ने वहां पे देखा। बेसिकली जो है ना, आपको मैं एक बात बता दूं, बैम्बू हमारे पास उतना है ही नहीं जितनी हमारी जरूरत है, वो नॉर्थ ईस्ट में ही था जितना भी था। देखिए नॉर्थ ईस्ट का जो बैम्बू है ना, हमारा जो टोटल बैम्बू है उसमें नॉर्थ ईस्ट का बैम्बू मैक्सिमम जो है 10 से 15% है। अच्छा, अच्छा। और 85% जो हमारा बैम्बू है वो फॉरेस्ट बेस्ड बैम्बू है, जो वैल्यू एडिशन के काम का नहीं है जी। तो इस कारण जो है हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जरूर देखते हैं, पर जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन उतना दिखता नहीं बैम्बू का। अभी आपको मैं बता दूं, अभी इस बात पे बहुत बहस चल रही है कि पूरा बैंगलोर का एयरपोर्ट जो टर्मिनल 2 है वो बैम्बू से बना है, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो बैम्बू चाइना और वियतनाम से आया। वो सर मेघालय का है सर। नहीं, गलत है वो जो अरुणाचल का जो दिख रहा है ना, वो गलत है, वो बैंगलोर का टर्मिनल 2 है। अच्छा, और उसमें सारा बैम्बू जो लगा हुआ है वो इंजीनियर बैम्बू है और वो चाइना और वियतनाम से आया। मतलब अभी भी हमारे पास उतना बैम्बू नहीं है जितने की हमारे यहाँ खपत है, सीधी बात है। अच्छा भाई, हम अगरबत्ती की स्टिक जो तो है इसमें फिर मिशन ने क्या किया, क्या रोल था सब? ये मैं नहीं बता पाऊंगा, मिशन बताएगा। नहीं, मिशन का मतलब बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या? मेरी बात सुनिए, मैं मिशन की कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में था, हमने अपनी रिकमेंडेशन दे दी थी, उसके बाद है ना, उसके बाद उन्होंने क्या किया उसका जवाब वो देंगे, क्योंकि उसका कारण सुन लीजिए ना, किसी दूसरे आदमी के क्रियाकलाप का मैं आंसर दूं ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं। मैं तो अपने लिए ठीक है, मैं मेरे पास जो काम है जो मेरा है मैं उस पर बिल्कुल जवाब दूंगा और 100% जवाब दूंगा। मेरे उसमें कहीं कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं उसमें कोई भी, मेरे यहाँ छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं है। सर मैंने ये सुना था, अभी पढ़ा नहीं, वो गजट का नोटिफिकेशन के बैम्बू को फॉरेस्ट से निकाल के खेती में लाए गए। देखिए अब इसके काटने पर कोई हमारे को, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, बैम्बू जो है 2003 में ही भारत सरकार ने डी नोटिफाई कर दिया था, परंतु उसमें एक मेजर फॉल्ट रह गया था कि फॉरेस्ट ने इसको अपनी टिम्बर की सूची में दर्ज किया हुआ था। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में
पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने अमेंडमेंट किया वो माननीय मोदी जी है। जब हम लोगों से बात हुई तो हमने उनसे कहा कि बैम्बू तो आज भी फॉरेस्ट क्रॉप है, भारत सरकार ने डीनोटिफाई इसको 2003 में कर दिया था, परंतु क्या है फॉरेस्ट एक्ट में जो बैम्बू टिम्बर की श्रेणी में था इसलिए काटने के लिए टीपी लगती थी, परमिशन लगती थी और टीपी लगती थी और न कहीं ट्रांसपोर्टेशन में कोई तो प्रॉब्लम। 22 नवंबर 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में अमेंडमेंट करके गजट नोटिफिकेशन किया कि जो बैम्बू है वो ग्रास कैटेगरी में है, इसको टिम्बर श्रेणी और मतलब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से इसको निकाल ही दिया। ये बड़ा कदम था बैम्बू की दुनिया के लिए। सर मेरे एक किसान हैं, उन्होंने एक मैसेज भेजा कल जब मैंने ग्रुप में डाला कि मैं भाटिया जी से मिलने जा रहा हूं, तो उन्होंने कहा इस सवाल को आप जरूर करना। वो मध्य प्रदेश में यहीं के, मैं इसे थोड़ा पढ़ देता हूं। पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। बैम्बू का ट्रांसपोर्ट करने में मध्य प्रदेश के 17 जिलों परिवहन अनुज्ञा पत्र लगता है। नहीं गलत सर, ठीक है, वन विभाग से यह जब ही जारी होता है जब किसान के पास सक्षम अधिकारी की कटाई की अनुमति हो, जिसको पाना ओलंपिक में पदक जीतने जैसा है। सर बाद में इसका आंसर दीजिए। अतः आप परिवहन और कटाई के नियमों पर विस्तृत चर्चा करें और तथा आम किसानों को इससे अवगत कराया जाए। पेड़ बांस लगाने पर कोई रोक नहीं है, पर जब इसके दोहन की बात आती है तो सरकारी तंत्र किसान पर नियम कानून को लेकर हावी हो जाता है, पर्यावरण की दुहाई देने लगते हैं, जिसके कारण किसान अपने को ठगा महसूस करते हैं। मैंने 10 वर्षों तक लोक वानिकी किसान संघ के जिला सचिव, पहले होशंगाबाद वर्तमान में नर्मदापुरम जिला के पद पर कार्यरत रहा हूं। मैंने यह पाया कि सरकारें किसानों से पेड़ लगवाकर पर्यावरण संरक्षण करना चाहती हैं और खुद वन भूमि पर पट्टे वितरित कर रही हैं। किसानों को कटाई की अनुमति लेने में नानी याद आ जाती है, अधिकारी भी इससे बचकर ही रहना चाहते हैं क्योंकि मामला पर्यावरण से जुड़ा है। इस पर मैं आपके, क्या ये सही है और इसमें क्या सही है क्या गलत है? देखिए ये मेरे को चाहिए किसानों के हित से। हाँ हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं। हाँ। बैम्बू को एग्रीकल्चर क्रॉप डिक्लेयर करने वाला जो है पहला स्टेट था वो मध्य प्रदेश था। अच्छा सर, और ये बात उनको मालूम नहीं है कि वन विभाग को प्राइवेट लैंड मतलब खेती की, मतलब जो मेरी ओन जमीन है उसमें अगर मैं बैम्बू लगाऊंगा तो मुझे किसी भी तरह से किसी से ना परमिशन लेनी है ना टीपी लेनी। अच्छा, मैं आपको अभी एसीएस, क्योंकि एक बार हमारा ट्रक जो है अभी नरसिंहपुर में पकड़ लिया था तो हमने डीएफओ से यही बोला था कि आप इसकी जब्ती बनाओ, तो पूरी रात की उसके बाद सुबह सुबह उन्होंने छोड़ दिया ट्रक। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि फॉरेस्ट को प्राइवेट लैंड में उगे बैम्बू की टीपी काटने का अधिकार ही नहीं है। हम जबरदस्ती उनके पास जाते हैं कि टीपी दे दो आप। टीपी क्या है सर? ट्रांजिट पास। ट्रांजिट पास। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जब बैम्बू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की सूची में ही नहीं है तो फॉरेस्ट कैसे उसकी टीपी काट देगा? प्राइवेट लैंड की बात कर रहा हूं, सरकारी लैंड में लगे हुए बैम्बू को आज भी उन्होंने ट्रांजिट पास की श्रेणी में रखा है ना। अगर प्राइवेट लैंड में जैसे मेरे जमीन में लगा बांस, मुझे काटने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं। और मैं आपको अभी एसीएस फॉरेस्ट का सर्कुलर दे दूंगा कि वो सर्कुलर जो है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्राइवेट लैंड की जमीन के किसी भी उसमें जो है ना टीपी की अनुमति मांगे किसान और ना उसको टीपी की वो जरूरत है। मैं अभी आपको सर्कुलर दे दूंगा, है ना। उसका कारण है कि आज की तारीख में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की जो टिम्बर और टीपी वाली सूची है उसमें बैम्बू है ही नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने उसको ऑब्सोलीट कर दिया वहां से। तो सवाल उस बात का कि जब आपकी सूची में मान लीजिए कोई चीज आपके स्टॉक में नहीं है तो आप दोगे कहां से? हम तो जबरदस्ती आपसे जाके ले रहे हैं। पर सवाल उस बात का है कि कोई आदमी इतना भय पैदा किया हो कि किसी ट्रक वाले को बोलो कि बैम्बू ढोना है तो वह ना ही कर देता। अच्छा, उसका कारण यह है कि ये जो जो ग्रास वाला जो एक्ट है वो एक्ट अभी तक नीचे जो है ना नीचे तक पहुंचा नहीं है। किसान जो है ना बेसिकली इस बात को लेके वो होता है कि भाई हमें अभी भी उसके दिमाग में 70 साल का जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भय जो है ना वो भरा हुआ है।
जितने भी ये बैम्बू हैं, जैसे जो आपने लगाए हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो है कौन से बांस की रिक्वायरमेंट या मार्केट है सबसे ज़्यादा? बैम्बूसा टुल्डा। बैम्बूसा टुल्डा आज की तारीख में इंडिया का नंबर वन कमर्शियल बैम्बू है। अच्छा, ये किस काम आता है सर बैम्बू? स्केल फोल्डिंग के काम में आता है, बाजार में बिकता है, अगरबत्ती की काढ़ी बनती है, डिस्पोजेबल स्पून बनते हैं, आइसक्रीम की स्टिक बनती है, आइसक्रीम के चम्मच बनते हैं। अच्छा, मोस्टली जो है कटलरी वगैरह में बनता है, कटलरी में डिस्पोजेबल। अच्छा, इसमें ये क्या, इसमें फर्नीचर में भी काम आता है? फर्नीचर में भी काम आता है, ऑलराउंड बैम्बू है। अच्छा, अगर इस टाइम इसको लगाया जाए तो मतलब कोई इसकी डिमांड है? मतलब ऑलरेडी डिमांड है। आप मुझे ये बताइए कि 80,000 का बैम्बू जो है नॉर्थ ईस्ट से आके 2.5 लाख रुपए में पड़ रहा है, 1,70,000 रुपया भाड़ा देना पड़ रहा सर। एक आपको मैं एक बात बता दूं, ये इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन सबसे कॉस्टलीस्ट इशू है। जिस रेट में चाइना से माल बम्बई आ जाता है, उससे ज़्यादा रेट, उससे उतने रेट में तो हम आसाम से बम्बई नहीं पहुंचा पाते। सर, इसमें एक थोड़ी सी जैसे प्रॉब्लम है, जब हम कोई भी किसान चीज़ें उगाता है, जब होने लगती है काफ़ी, लेकिन वहाँ पे बाहर की चीज़ें जब आती हैं वो सस्ती पड़ती हैं, तो उसमें वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं, तो इसके बारे में कोई पॉलिसी है इनकी जो हमें? सर देखिए, पॉलिसी है, अभी हमने जो है जैसे अगरबत्ती की स्टिक पे हमने 25% वो लगवाई थी। अच्छा, जो बाहर से ड्यूटी, वो बाहर से चाइना से आती है। अच्छा, हमने अगरबत्ती वियतनाम और चाइना से आती थी, उसको बंद कराया हमने। अच्छा, KVIC चेयरमैन और माननीय गडकरी जी के साथ मिल के जो है हमने इसको बंद कराया। अच्छा, तो ऐसा नहीं है, पर अगर सवाल उस बात का है कि भारत सरकार जो है ना माता पिता है एक, पर माता पिता को पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, तो कोई आदमी जो है कैसे निर्णय लेगा? एक ये भी तो फर्क पड़ता है। छोटी सी छोटी फैक्ट्री के लिए लगभग 20 से 25 एकड़ जो है बैम्बू की जरूरत है, और मैं टोटल रिकमेंडेशन मैक्सिमम 330 पौधे पर एकड़ का बोलता हूँ। ये मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ मैं आपको, मिनिमम नहीं है। 330 पौधे लगाने के लिए और 20 पौधे रिप्लेसमेंट के लिए पर एकड़, पर एकड़ बस ये मैक्सिमम लिमिट है। और हमारे पास कुछ वैरायटी ऐसी हैं, उनके तो 160 पौधे ही बोलता हूँ एस्पर और ब्रांडी सही। 330 पौधे का मतलब ये हुआ कितने, 13 बाई 10। एस्पर और ब्रांडीसाई को 5 मीटर बाई 5 मीटर कहता हूँ, डी एस्पर और डी ब्रांडीसाई और जाइजेंटियस ब्रांडीसाई 3 बाई 5 मीटर बाई 5 मीटर 5 मीटर बाई 5 मीटर। अच्छा, 160 इसके लिए हमें अगर 330 प्लांट पर एकड़ लगाएं तो 25 एकड़ में हमारा होना चाहिए बैम्बू। हाँ, कम से कम एक छोटी फैक्ट्री चलाने के लिए, क्योंकि देखिए मैं सर कितनी लागत हो जाएगी सर? मेरे ख्याल से 40-50 लाख। सर ये जो फ्यूल पैलेट है, इसके लिए कौन सी वैरायटी अच्छी रहे? बालकुआ, बालकुआ और बैम्बूसा न्यूटन्स भी चल सकती है, पर बालकुआ मान के चलिए, बालकुआ जो है मतलब बायोमास का बैम्बू है, तो वो अभी बायोमास के लिए जो है ना कटंग, कटंग से भी वो हो सकता है, कटंग और बालकुआ जो है दो बैम्बू अभी मैं उसके लिए रिकमेंड। सर बालकुआ को कितनी उस पे करते हैं आप जो है ना? 330 पौधे, 330 दोनों को? नहीं, मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ बैम्बू की। अच्छा, आप इससे कम लगा सकते हैं तो बहुत बेहतर है। अच्छा, बांस ये जो इसकी जो ये पैलेट वाली है जो आपने बताई है, जो ये फैक्ट्री है, इसकी लगभग कितनी कॉस्ट आ जाती है? इसकी कॉस्ट आएगी समझ लीजिए 10 से 15 लाख रुपये। सर ये किसी भी जमीन में, जैसे मेरे यहाँ मैंने लगा दिया मेड पर जो है ना, बहुत जबरदस्त तरीके से होने लगा। सर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है काटने लायक हुआ नहीं, 2.5 साल हो गए? नहीं, 2.5 साल में नहीं, मैच्योर बैम्बू 5वें साल ही होता है। अच्छा, बेसिकली मैं नियम बता दूं, 3रे साल में जो उगा हुआ बैम्बू होता है वही 5वें 6वें साल में काटा जाता है, ठीक है ना? अभी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि 2 साल में कटाई हो जाएगी, 3 साल में कटाई हो जाएगी, 4 साल में कटाई हो जाएगी, व्यर्थ की बातों में किसानों को जो है ट्रैप किया जाता है। 5वें साल से पहले बैम्बू जो है वो हार्वेस्टिंग देता ही नहीं है। मान लीजिए आपके अमरूद के बगान में मान लीजिए आपको एक आध अमरूद मिल गया, तो उसको क्या फसल कहेंगे क्या आप? मैं उसमें 3 साल कहता हूँ। है मैं बिल्कुल सही? नहीं, नहीं, तो 6 महीने में लगने। मान लीजिए आप पैकेट में कोई ग्राफ्टेड पौधा लाए और उसी में वो लग गया, मान लो अमरूद लग गया, तो
तो उसको क्या फसल कहेंगे क्या? ये सभी तरह के बांसों में पांचवें साल मिनिमम जो है पांचवां साल है सर। ये जो बायोमास वाला बैम्बू है जो आपने बताया है, इसमें एक तो झाड़ी सी निकलती है, एक बैम्बू निकलते हैं उसमें करने के लिए, तो जब कटाई करते हैं बैम्बू ही काटते हैं या उन झाड़ियों को भी काट देते हैं? नहीं, बैम्बू काटते हैं, कभी भी बैम्बू को पूरा एक साथ क्लीन वो नहीं करते हैं। मतलब जो पक गए पांच साल पक गए हैं, जो तीसरे साल का बैम्बू है वो पांचवें छठवें साल में, चौथे साल का बैम्बू छठवें सातवें साल में, पांचवें साल का बैम्बू सातवें आठवें साल में। बांस को जो है ना व्यर्थ में इतने वो करा जा रहा है, इतना वो किया जा रहा है। ग्राउंड में काम जो है ना, अगर आप अभी चले जाएंगे पूरा हिंदुस्तान घूम लोगे तो दो चार पांच बगान अगर बांस की आपको मिल गए तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और परफॉर्मेंस लोग कहता है 40,000 किलो 50,000 किलो, और बांस उनके सूखे सूखे डेढ़ डेढ़ दो दो इंच के वो है, कहां से 50,000 किलो काट लेंगे? सुनिए तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। कैलकुलेशन, जो पढ़ा लिखा आदमी है ना वो कैलकुलेशन करता है, और जो व्यर्थ में जो दूसरों को देख के पीछे दौड़ते हैं ना उसमें बहुत फर्क है। मैं आपको बता रहा हूं 330 पौधे में लगभग जो है हम ये मानते हैं कि 8 से 10 बांस जो है एक पौधे में एवरेज मिलते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि 8 से लोगों ने 8-800 1,000 पौधे लगवाए हुए जो झाड़ियों में वो हो गए, बकरी भी अंदर नहीं जा सकती उसके, बैम्बू कहां से देगा? और ऐसा ये गलत वो है कि नर्सरी वाले तो सर उनका तो काम ही नहीं, वो कह देते हैं बैम्बू लगा दो और 20 लाख मिलेंगे 15 लाख मिलेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं आप 1.5 लाख से ऊपर की उम्मीद करें ही नहीं। बैंक 1.5 लाख पर एकड़? हाँ सर बहुत है, एक ही कह रहा हूँ मोर देन सफिशियंट है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि बैम्बू में 1.5 लाख क्यों कहता हूँ कि इनपुट कॉस्ट नहीं है। अगर आप गन्ने की खेती करते हैं, नींबू की खेती करते हैं, अमरूद की खेती करते हैं, इनपुट कॉस्ट बहुत है। बैम्बू को इनपुट कॉस्ट नहीं चाहिए, इसलिए उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। बात है एक बार किसी उसके सिलेक्शन के लिए कुछ नाम मांगे गए पूरे हिंदुस्तान से जी, तो उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने लिख के भेजा, अधिकारियों ने लिख के भेजा कि ये आदमी 4 लाख रुपए एकड़ कमाता है, 3 लाख रुपए एकड़ कमाता है। जब उसकी जाँच हुई तो पाया गया कि 2 साल से तो इसने बिजली का ही बिल नहीं भरा और बैंक का जो केसीसी है वही डिफॉल्ट हुआ पड़ा। तो देखिए क्या है, मैं आपको एक बात बता दूं, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है ना। अगर आप मान लीजिए 5 लाख रुपए एकड़ कमा रहे हैं और 10 एकड़ जमीन है, तो 50 लाख रुपया खर्च करने के लिए मादा चाहिए आप। मैं भी यहाँ चाहता तो एसी कमरा बना लेता, आपको भी बिठा लेता, पर अगर एसी कमरे में बिठा लूंगा तो पैसा तो आपसे ही वसूल करूंगा ना। तो भैया मैं तो जो है नेचुरल, जो आपने कहा ना नेचुरल, मैं नेचुरल हवा में जिंदा हूँ, तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे पास तो व्यर्थ में पैसा खर्च करने के लिए, यहाँ फर्श लगाने के लिए भी पैसे नहीं है, क्योंकि उसका कारण है कि मैं व्यर्थ की शो में कभी वो नहीं होता हूँ। सर जमीन की सेलिनिटी से कोई फर्क है इसका पीएच का जो बांस का? फर्क है, अभी तक हम लोगों ने 9 के पीएच तक काम किया, 9 तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 9 तक 8.5-9 तक अभी कोई प्रॉब्लम, थोड़ी सी ग्रोथ स्लो है। अच्छा, परंतु मैं आपको बता दूं 5 साल में जो बैम्बू जो है ना उसका जो पीएच भी जो है ना डाउन कर देगा। और टीडीएस सर? टीडीएस जो है ना लगभग 2000 टीडीएस तक हमने काम। और सर वाटर लेवल? वाटर लेवल अभी दिखा दूंगा आपको। नहीं नहीं, कितना अगर मान लो किसी का 10 फीट पे है, हमारा 10 फीट पे आ गया, जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितना हम तो अब बरसात वहां तो ऑलरेडी 10 फीट पे है सर। अरे तो ऑलरेडी तो ऊपर तक आ जाएगा। बैम्बू को पानी की हवस है, जैसे मनुष्य को रुपए की हवस है ना, वैसे बैम्बू को पानी की हवस है। और खाद पानी सर? खाद पानी देखिए थोड़ा थोड़ा 3-4 साल तो देते हैं। जब हमने बांस लगाना शुरू किया तो पहले पूरे गांव के लोग हमारे यहाँ आ गए, उन्होंने कहा साहब आप बांस लगा रहे हैं, यहाँ तो सांपों का भंडार हो जाएगा। जो मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत सारे मिथ हैं बांस के लिए जो यहाँ पे लोगों को डराते हैं। मैं पिछले 7 साल से बैम्बू में काम कर रहा हूँ, आज तक मुझे बैम्बू प्लांटेशन अकेले ही घूमता हूँ मैं, तो मुझे कभी सांप दिखा नहीं उसके अंदर। दूसरा उन्होंने कहा कि आप बैम्बू लगा रहे हैं आपकी जमीन बंजर हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं हमारे यहाँ इतना, आप जब हमारे यहाँ जमीन में चलोगे तो आपको लगेगा कि स्पंज ऐसी जमीन हो गई, तो वो भी बात झूठी निकली। तीसरी उन्होंने कहा कि आप बांस लगा रहे हैं आपकी जमीन का पानी उड़ जाएगा। जब हमने जमीन खरीदी थी तब 160 फुट पे पानी था, अभी मैं आपको पानी बता दूंगा 10 फुट पे पानी है। सर एक और छोटा सवाल है, जैसे मान लीजिए मेरी मेड़ है, ये मेरी मेड़ है, इससे मुझे कितनी दूर
बांस लगाना चाहिए? 6 फिट, उससे 6 फिट पे एक एक लगानी। वैरायटी वाइज है ये 6 फिट। अच्छा। जो है ना मैं मीडियम क्लास की जो वैरायटी उनके लिए बता रहा हूँ, मीडियम क्लास बड़ी बालकुआ टोल्डा न्यूटन इनसे। अच्छा। और अगर एस पर ब्रांडिसाइज एजेंटियस तो वो 12 फिट। अच्छा, 12 फिट तक लगाना चाहिए। हाँ। आपको लगाना चाहिए। अच्छा हाँ, देखिए क्या है, मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, इसकी जड़ें 30 फिट तक जाती हैं। तो अगर आपको किसी दूसरे से व्यर्थ के वो नहीं करने हैं तो बेसिकली बड़ी वैरायटियां 30 फिट और छोटी वैरायटियां 15 फिट अंदर लगानी चाहिए। 15 फिट अंदर, क्योंकि क्या है जड़ें उसके यहाँ जाएंगी तो वो उस एरिया में कुछ होने नहीं देंगी उसके, क्योंकि वो बैम्बू जो है एक बड़ा पंप है, दूसरे के ट्यूबवेल का भी पानी खींचना शुरू कर देगा। देखिए क्या तो है, हमारे मेड़ पे पॉपुलर लगा रखा ना सर, वो तो हमारे सारे पौधों को नहीं 15 फिट तक होने देता। हाँ, नहीं होने, तो वहां मैंने बैम्बू लगाया तो बैम्बू सर्वाइव कर रहा उससे जो ना बहुत। हाँ, तो बैम्बू सर्वाइव करेगा ना, बैम्बू बड़ा पंप है, छोटे पंप जो है उसके आगे चलते नहीं है, बैम्बू वहां से सब खींचना शुरू कर देगा। अब धीरे धीरे आप देखना उनके पॉपुलर की ग्रोथ वहां पे उस लाइन पे कम होने लगेगी। देखिए क्या है, मैं आपको बता दूं, बैम्बू सबसे बड़ा वीड है जिसके इर्द गिर्द कोई वीड होता नहीं, जंगली पौधा है ये। इसको व्यर्थ का रॉकेट साइंस बनाया हुआ कि ऐसा करिए वैसा करिए, बिल्कुल साधारण खेती है। मैं आपको बता दूं कि मुझे तो मतलब अभी मैं जब काम कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि शायद मुझे ये 25-30 साल की उम्र में ये पौधा मिल गया होता तो बहुत कुछ तो मैं बहुत कुछ कर सकता था मैं लोगों के लिए। सर पौधे कितने टाइप के मतलब इसके होते हैं, मतलब जैसे सर देखिए अभी टोटल जो है पूरी दुनिया में 1700 वैरायटी है, मतलब प्रोपेगेशन। देखिए मैं आपको बता दूं, 3 किस्म के पौधे होते हैं। एक पौधा होता है सीड वाला जी, एक पौधा होता है क्लोन से बनता है, क्लोन हो गया, और तीसरा पौधा टिश्यू कल्चर होता है। टिश्यू कल्चर जो है एक क्लोन से 10,000 पौधे बन जाते हैं, कभी कभी 50,000 भी बना लेते हैं, परंतु सबसे ज्यादा स्ट्रेस अगर किसी में आता है तो वो टिश्यू कल्चर पौधे में आता है। और अभी टिश्यू कल्चर के अभी हमारे को मतलब बहुत सारे जो हैं दोष और वो पता नहीं है। अभी महाराष्ट्र में अभी लगभग 80% जो है पौधे सूख गए हैं टिश्यू कल्चर फ्लावरिंग होके। तो हमें लगभग 2016 या 17 में एशिया हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की मीटिंग हुई थी तो वहाँ गया था, तो एक टिश्यू कल्चर ताइवान के टिश्यू कल्चर साइंटिस्ट आए थे, तो ऐसे ही हम लोगों ने बात करी कि हमारे इंडिया में टिश्यू कल्चर से बैम्बू बनाया जा रहा है, तो वो हंसने लग गया। उसने कहा कि हम लोगों ने 25 साल पहले इसको छोड़ दिया है, टिश्यू कल्चर के जो बैड इफ़ेक्ट हैं वो आपने अभी देखे नहीं हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली पहली प्राथमिकता जो है हमें सीड वाले पौधे की देनी चाहिए, सेकंड प्राथमिकता क्लोन वाले पौधे को देनी चाहिए, और थर्ड प्राथमिकता जिस वैरायटी में क्लोन मींस सर टिश्यू क्लोन मींस मतलब जो उससे जो है ना कटिंग से जो है उसकी बैम्बू की कटिंग से अच्छा, एक एक नॉट से एक पौधा बनाते हैं, एक नॉट से वो है ना, उसमें स्ट्रेस नहीं आता है। सर आप अपने यहाँ क्या क्या चीजें बनाते हैं इसमें? हमारे यहाँ बैम्बू चारकोल बनाते हैं, प्लस हम बैम्बू चारकोल कॉस्मेटिक हम इंडिया में 2017 में लेके आए। अच्छा। मेरी बेटी बनाती है, वो पूरा कॉस्मेटिक बनाती है। अच्छा। और हम अगरबत्ती की स्टिक भी बनाते हैं, अगरबत्ती भी बनाते हैं, चारकोल और वुड पाउडर भी बनाते हैं, हमारे ओन है। अगरबत्ती में एक बड़ा फ़र्क है, लोग जो है पूरे ज़माने से सामान खरीद के असेंबल्ड करते हैं, हम बेसिकली मैन्युफैक्चरर बेसिकली। हाँ, हम मतलब चारकोल वगैरह ये जो है ये चारकोल प्लांट है। केले में अगर आप लेंगे तो जब उसका जब क्लोन लेके टिश्यू कल्चर बनाते हैं तो उसकी 0 एज हो जाती है, परंतु बैम्बू में ऐसा नहीं है। बैम्बू में अगर आपने 10 साल के पौधे से क्लोन लिया तो बैम्बू की 10 साल एज कम हो जाएगी, और अगर 30 साल। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ऐसा सीड बैंक या ऐसा मदर प्लांट का बैंक नहीं है जिसमें जो है उसको मालूम हो एज अपने पौधे की। तो मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ तो 98% जो पौधे हैं जिनकी सीड से लगाए हैं और उसकी एज मुझे मालूम है। एक राइजोम देखिए कुछ करते हैं सर आप, वो क्या राइजोम जो होता है ना, वही जो मैं आपको कह रहा हूँ कटिंग काट अच्छा, के कटिंग उसको लगा देते हैं, उसको क्लोन एक्चुअली क्या है वो बेसिकली क्लोन ही है गुट्टी वाला, परंतु क्या है एक क्लोन से एक ही मतलब पौधा बनाते हैं, और टिश्यू कल्चर में एक क्लोन से 50,000 पौधा बनाते हैं। जब 50,000 पौधा बनाते हैं तो स्ट्रेस पैदा होता है, तो नॉर्मल कंडीशन में तो वो सरवाइव कर जाता है, परंतु
थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थितियों में टिश्यू कल्चर पौधा लेकिन जो है, बाल कुआं में तो टिश्यू के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। नहीं है ना, तो मैं आपको इसीलिए तो बोल रहा हूँ उसका कटिंग से नहीं बना सकते सर। पहले मेरी बात से कटिंग से अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ हमारी कटिंग से हम उसकी वो कर रहे हैं। बहुत सारे वो है, देखिये ये तो क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड है। आज हम कोई चीज पौधा बनाते हैं, हम भी उसका ये नहीं गारंटी कोई नहीं ले सकता कि आज हमने बनाया तो ये हमारा पौधा 100 साल चलेगा या 50 साल चलेगा। सीड वाले पौधे की गारंटी है कि वो अपनी एज जो है पूरी करेगा, परंतु टिश्यू कल्चर के लिए आज भी मैं आपको बता दूं, टिश्यू कल्चर अभी बहुत पुरानी वो नहीं है, 10-12-15 ही साल हुए हैं और उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट सामने आए हैं। ये एक अलग बात है कि एक्सीडेंट आम जनता तक पहुंचे नहीं है। अभी आपने भाटिया जी को सुना बैम्बू मिशन के बारे में और किस प्रकार की पौध उपलब्ध है, कौन से पौधे आपको किस प्रकार से लगाने चाहिए और इनमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, ये सब जानकारी आपने ली। इसके अगले भाग में हम बताएंगे भाटिया जी के फार्म में घूमकर के कौन कौन सी वैरायटी हैं और वो बांस देखने में कैसा लगता है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।